मॉर्निंग। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं सब डिवीजन, बेसिडियो, माइकोटीना। बेसिडियो माइकोटीना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पहले बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं, ये सबसे एडवांस है, एडवांस ग्रुप कह सकते हो इसको। इसके खूब सारे नाम हैं, जिसमें इसको मशरूम, पफ बॉल, रॉड स्टूल, रस्ट, स्मट, स्टिंक हॉर्न, बर्ड नेस्ट फंजाई, ये सारे नाम से इसको जाना जाता है। इसमें अगर बात करें कि यहां पे बनते हैं बेसिडियम, बेसिडियम एक प्रकार की फ्लोटिंग बॉडी है, जैसे हम मशरूम की बात करेंगे तो इस प्रकार की छतरी जो होती है ना वो हो जाएगी बेसिडियम। अब यहां बनते हैं बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर बनते हैं बेसिडियो फोर के ऊपर। किस पे बनते हैं? बेसिडियो फोर के ऊपर बनते हैं बेसिडियो स्पोर। अब हम बात करें कि इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये जो फंगस है ये टेरेस्ट्रियल फंगस है। क्या है? टेरेस्ट्रियल फंगस है। अगर हम मशरूम को देखें तो मशरूम जो है ये मॉइस्चर वाले एरिया में ज्यादा कंट्रोल करती है और रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ ये सेप्रोफिटिक है, मृत पदार्थों को कंट्रोल करने वाली होती है। पैरासिटिक भी होती है। क्या होती है? पैरासिटिक यानी परजीवी भी होती है, दूसरे जीवों के रोग भी उत्पन्न करती है। इससे जो रोग होता है वो होता है स्मट एंड रस्ट, रस्ट एंड स्मट, दो प्रकार की डिजीज जो है इससे कॉज होती है। अब इसके माइसीलियम की अगर हम बात करेंगे तो ये इस प्रकार का इसका माइसीलियम है जो हाईली ब्रांच्ड होगा, सेप्टा पाया जाएगा और इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा। अब यहां न्यूक्लियस जो है वो एक ही होगा, ध्यान रखना न्यूक्लियस क्या है? एक ही होता है। तो सिंपल टाइप का जो होता है, जैसे सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये कहलाता है प्राइमरी माइसीलियम। क्या कहलाता है? प्राइमरी माइसीलियम, या इसको कहते हैं प्राथमिक तंतु। क्या है? प्राथमिक कवक तंतु। अब इसमें प्राथमिक के अलावा भी सेकेंडरी कवक तंतु भी पाया जाता है, टर्शरी कवक तंतु भी पाया जाता है। जब दो प्राइमरी कवक तंतु या माइसीलियम आपस में जुड़ते हैं, समझ लो ये प्लस वाला माइसीलियम है, ये माइनस वाला माइसीलियम है, तो ये दोनों माइसीलियम आपस में जुड़ेंगे। यहां पर इसी कोशिका है और ये जुड़ गए, ये इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस हम ऐसे बनाते हैं, तो ये भी हाईली ब्रांच बनेगा। ये भी प्राइमरी माइसीलियम है, ये भी प्राइमरी माइसीलियम है। दो प्राइमरी माइसीलियम जो है, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों जो आपस में पास पास आएंगे दोनों की भित्ति बीच वाली जो है वो लुप्त हो जाएगी, तो दोनों के न्यूक्लियस जो है एक साथ रहेंगे। अब यहां से ये जो डिविजन होगा, इससे जो आगे माइसीलियम बनता है, जैसे आगे और डिवीजन करके इस प्रकार जो माइसीलियम बनेगा, इस सब में दो न्यूक्लियस रहेंगे। क्या रहेंगे? दो न्यूक्लियस रहेंगे। अब ये जो कंडीशन है डाइकैरियोटिक कंडीशन है, दो कैरियर एक साथ रह रहे हैं। क्या कंडीशन है? डाइकैरियोटिक कंडीशन है। अब क्या होता है, इस डाइकैरियोटिक कंडीशन से माइसीलियम जब और आगे बढ़ता है तो उसमें कैंद्रक तो यही रहेंगे दो, लेकिन उसको फिर आगे जो कवक जाल बनेगा उसको बोलते हैं टर्शरी माइसीलियम, जिसमें क्या हो जाएगा, दिखता तो वो डाइकैरियोटिक जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि दो डाइकैरियोटिक यानी दो सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये आपस में कॉन्टेक्ट आएंगे और दो सेकेंडरी माइसीलियम कॉन्टेक्ट में आकर के टर्शरी माइसीलियम बनाएंगे। टर्शरी माइसीलियम में भी न्यूक्लियस नहीं रहेंगे, दो ही रहेंगे, ध्यान रखना। डाइकैरियोटिक कंडीशन ही पाई जाएगी। ट्राई का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दो इसके और दो साथ वाला जो फ्यूज होगा उस कोशिका के वजन चार हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, दो ही रहते हैं।
फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पे जो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन बनी बनी है ये बनती है क्लैंप कनेक्शन के द्वारा। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है ये हम क्लियर पढ़ेंगे। अब इसके माइसीलियम की बात करें, इसका जो माइसीलियम होता है वेल डेवलप है, ब्रांच्ड है, पट पाया जा रहा है इसके बीच में, और पट जो होता है वो सिंपल हो सकता है और हो सकता है लॉलीपॉप टाइप का पट। और ये क्या करता है, चूसकांड के द्वारा क्या करता है, होस्ट के होस्ट से पोषण को या फूड को अवशोषित करने का या शक करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, चूसकांड रहेगा, समझ लो ये सीड है, ये इसका बेसिडियो स्पोर है, क्योंकि हमने बेसिडियो स्पोर के बारे में बात की, बेसिडियो स्पोर ये जनरेट कर रहा है और माइसीलियम बना रहा है, इधर भी बेसिडियो स्पोर जनरेट कर रहा है माइसीलियम बना रहा है। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो साखित रहेगा, जाल नुमा रहेगा, और यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी माइसीलियम बनने का बना हुआ कंकाल जो है ये पाया जाता है। अब प्राइमरी माइसीलियम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी माइसीलियम के अंदर क्या है, एक केंद्र की कंडीशन रहेगी, सारे केंद्र एक एक केंद्र की रहेगा। जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी के अंदर क्या हो जाएगा, दो केंद्र एक साथ रहेंगे जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों विपरीत प्रभेद के जो माइसीलियम है वो पास पास आएंगे, दोनों न्यूक्लियस जो है एक साथ एक कोशिका के अंदर आ जाएंगे, दोनों की उभयनिष्पित्त भी गल जाएगी। अब यहाँ पे द्विकेंद्रीय भवन की कंडीशन आ गई, यानी कि दो केंद्र एक साथ रह रहे हैं, हमने कहा था डाइकैरियोटिक कंडीशन है यहाँ पे, तो इसको डाइकैरियोटाइजेशन कहा जाता है। इस कंडीशन क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन, यानी द्विकेंद्र की भवन कहा जाता है। अब ये जो द्वितीय कवच जाल है, जब इसके ऊपर बेसिडियल कार्प बनता है तो बेसिडियल कार्प के अंदर क्या बनता है, बेसिडियल कार्प बनने से यहाँ पे टर्शियरी माइसीलियम बनता है, और बेसिडियल कार्प एक प्रकार की फ्लोटिंग बॉडी है जिसके अंदर बेसिडियल स्पोर बनते हैं। बेसिडियल स्पोर किसके ऊपर बनते हैं, बेसिडियो स्पोर के ऊपर बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है। यहां तक इसका जनरल कैरेक्टर हो गया है। अब हम इसमें जो कॉमन रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसमें हम अलैंगिक चरण के बारे में बात करेंगे। तो अलैंगिक चरण जो होता है वो होता है ओइडिया के द्वारा। ओइडिया क्या होता है हम पहले बात कर चुके हैं कि जो माइसीलियम होता है उसमें चेन के रूप में ये रिलीज होता है, तो ओइडिया बन जाते हैं, ये ओइडिया मुक्त होते रहते हैं। यहाँ से एक है कोनिडिया, कोनिडिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, एंड क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा, तीन के द्वारा यहाँ पे जो है अलैंगिक चरण होता है। और इसके द्वारा जब भी अलैंगिक प्रोसेस होता है तो इसमें स्मट और रस्ट ये डिजीज कॉज करता है, प्लांट के अंदर स्मट डिजीज और रस्ट डिजीज यहाँ पे कॉज करने का काम करता है। और अगर हम एडवांस की बात करेंगे, जो भी एडवांस फैमिली रहेगी इसकी, एडवांस स्पीसीज रहेगी, उसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। जनरली क्या होता है कि लैंगिक जनन यहाँ पे उसका अभाव पाया जाता है बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो कोशिका रहेगी उसके कोशिका द्रव्य का अगर हम बात करेंगे, कोई भी सोमेटिक कोशिका रहेगी तो सोमेटिक कोशिका पास पास आएगी और इन दोनों का जीव द्रव्य जो है आपस में मिक्स हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन कहलाएगी जिसमें दो न्यूक्लियस ऐसे रहेंगे, तो ये है सोमा गैमिक, क्या कहलाएगी, सोमा गैमिकाई कोशिकाओं का युग्म हो रहा है यहाँ पे, और स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा यहाँ पे और जनन होता है। जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है तो वहां पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा जो इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे दो केंद्र की कंडीशन बन जाएगी, माइसीलियम है। तो इसमें दो प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन जनरली यहाँ पे अब्सेंट ही रहता है। अब हम बात करें कि जब लैंगिक जनन होता है तब क्या होता है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का पहले तो कोशिका द्रव्य का यहाँ पे लयन होगा और बाद में केंद्र का लयन होगा, पर इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो गैप क्या है, यहाँ पे ज्यादा होता है। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे होगा प्लाज्मा गैमिक और फिर होगा इसमें कैरियो गैमिक, और केंद्र के संलयन के पश्चात यहाँ पे केंद्र का जब संलयन हो जाएगा 2N बन जाएगा तब यहाँ पे बनेंगे बेसिडियो मदर कोशिका, और बेसिडियो मदर कोशिका से बनते हैं बेसिडियो स्पोर, क्या बनेंगे, बेसिडियो स्पोर बनते हैं। अब यहाँ बेसिडियो मदर कोशिका से स्पोर बनने के लिए यहाँ पे बनना होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है अर्धसूत्री, क्योंकि यहाँ पे तो 2N है ना, ये रही 2N, देखो ये कोशिका जो है बेसिडियो मदर कोशिका के रूप में काम करती है, ये है 2N, अब 2N है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है जिससे चार
क्या बनेंगे, एसिडियो स्कोर बनेंगे। अब ये चार जब एसिडियो स्कोर बनेंगे इसमें दो तो होंगे प्लस, दो होंगे माइनस, और फिर ये यहाँ से रिलीज होकर के जो है वापस माइसिन में बनाते, जैसे यहाँ पर बनना था ना ये स्कोर है, ये रिलीज हो रहा है यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है, जैसे माइसिन में बन रहा है, प्राइमरी माइसिन बनेगा फिर सेकेंडरी बनेगा फिर टर्शियरी बनता है, वापस सेकेंडरी शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बेसिडियो स्पोर जो बन रहे हैं चार अगुणित बेसिडियो स्पोर, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है एक्सोजेनस। क्या होती है एक्सोजेनस होती है, यानी बाहर की तरफ रहते हैं ये, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे स्ट्रीमाटा रहते हैं चार और उसके ऊपर बेसिडियो स्पोर बनते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो ये स्ट्रीमाटा है यहाँ पे एम्ब्रियोनुमा कवर बनाते हैं, उसके ऊपर बेस के ऊपर क्या होते हैं बेसिडियो स्पोर लगे हुए रहते हैं। अब बेसिडियो स्पोर सामने का जो है पहले बीच में थे और ये अब सेंटर की तरफ आ गए हैं।
यहाँ तो क्लियर हुआ। फिर क्या होता है कि ये जो लंप कनेक्शन बना है ये यहां से होता हुआ यहां तक आ जाएगा, यहां से होता हुआ यहां तक आ जाएगा, और ये वाला रहा न्यूक्लियस। यहां पे इस न्यूक्लियस का होगा समसूत्री विभाजन, ये रहा। इसका भी होगा समसूत्री विभाजन, ये रहा। यहां तक ये है तो क्या हो जाएगा, ये रहा ये न्यूक्लियस इसका, और दूसरा रहा ये न्यूक्लियस, और इसका ये रहा ये न्यूक्लियस, दूसरा रहा ये न्यूक्लियस। फिर ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होने की वजह से ये वाला न्यूक्लियस जो है इसके पास आ जाएगा। अब लास्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, जैसे यहां वाला न्यूक्लियस जो है ये आ गया, ये वाला इधर आ गया, और ये ऊपर वाला तो रहेगा रहेगा, और नीचे वाला जो है ये रहा, और यहां से होता हुआ ये यहां आ गया। जब ये आता है तो यहां की जो क्लंप बना है वो नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, भित्ति बनना शुरू हो जाएगी, और फिर ये भित्ति बन जाएगी। जब ये भित्ति बनना शुरू होती है तब ये क्लंप कनेक्शन जो है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, ध्यान रखना। जब ये भित्ति बनना शुरू हो जाती है तब ये क्लंप कनेक्शन जो है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ की भित्ति भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इन दोनों के बीच में पट्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, पट्ट बन जाता है। तो इस प्रकार जो है ये कोशिका आगे के आगे वृद्धि करती है, और उसमें कंडीशन जो होती है वो डाई कैविटी कंडीशन होती है। तो ये क्लंप कनेक्शन किस में होता है, केवल सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर ही पाया जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है, दो कैंडल होते हैं तो उनका फिर समझे विभाजन करके चार कैंडल बनाने होते हैं, और चारों कैंडल जो है अलग अलग कोशिका के अंदर, या दो कोशिका जो नहीं बनती है उसके अंदर अरेंज हो जाता है, इस प्रकार ये अरेंज होता है। तो ये है क्लंप कनेक्शन। क्लंप कनेक्शन के क्वेश्चन पूछा जाता है दो नंबर में। फिर हम बात करते हैं बेसिलियम के बारे में, संरचना और विकास के आधार पर बेसिलियम दो प्रकार के बताए गए हैं। बेसिलियम दो प्रकार के बताया गया है, पहला है होलो बेसिलियम और सेकंड बताया गया है हेट्रो बेसिलियम। अब जो होलो बेसिलियम की बात करें तो होलो बेसिलियम में क्या होता है कि यहां पर एक कोशिकीय पट ही गदाकार बेलनाकार, ये होता है होलो बेसिलियम, और इसके शीर्ष पर चार इस प्रकार अंगुलिनुमा प्रवर्ध देंगे, रहेंगे चार अंगुलिनुमा प्रवर्ध रहेंगे। और इसका जो शीर्ष होता है, इसका जो शीर्ष होता है ये तो हो गया प्रांगण, इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है, और ये है बेसिलियम कोर, और इसके ऊपर आउटग्रोथ निकलती है, और ये आउटग्रोथ फूल करके बड़ी हो जाती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, इस प्रकार आउटग्रोथ क्या करती है, फूल करके बड़ी हो जाती है। ये सबसे ऊपर की तरफ है बेसिलियम स्पोर। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बनने का प्रोसेस होता है उससे पहले बनती है जायगोट, यानी कि जो डाइकैरियोटिक कंडीशन थी जिसमें दो कोशिकाएं थी, और इन दो कोशिकाओं का फिर संलयन हो जाता है, संलयन होने के पश्चात क्या बनता है, जायगोट बनता है, और ये जायगोट कोशिका जो है यहाँ पे डिवीजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनती है, चार बेसिलियम स्पोर बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें बेसिलियम स्पोर जो कहाँ से बनता है, जायगोट से। जायगोट से क्या होता है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 2n से m जो है चार n बेसिलियम स्पोर का निर्माण होता है। अब यहाँ पे होलो बेसिलियम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दोनों जो चारों जो कोशिकाएं बन रही हैं वो एक जैसी होती है, क्या होती है, एक जैसी होती है। इसमें अगर हम बात करें होलो बेसिलियम का विकास जो है डाइकैरियोटिक कवक सूत्र के शीर्ष की कोशिका फूल जाने की वजह से होती है, मतलब ये मुद्राकार हो जाती है, और इसमें जो जायगोट बनता है उसमें सिनकैरियोटिक कंडीशन आ जाती है, जायगोट में यहाँ पर संलयन हो जाता है केंद्र तक, और संलयन होने की वजह से जो चार आयन कोशिका बनती है, और ये चार आयन कोशिका कहाँ जाती है, ये ऊपर की तरफ जो स्टिग्माटा बनता है उसके ऊपर की तरफ, अंगुलिनुमा प्रवर्ध में ऊपर की तरफ आ जाती है, यहाँ पे बेसिलियम स्पोर बन जाता है।
ये डेसिडियस पोल है, सबलिमेशन हो जाएगा, चार कोशिकाएं कंडीशन बनेगी, दो तीन चार, और यहां से क्या हो जाएगा बाहर की तरफ, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है फिर यहाँ पे इसका जो एंड होता है ये न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, तो इसका जो एंड होता है वहां वहां पे क्या हो जाता है न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उधर चला जाता है, जिससे यहाँ से चार जो है ये टर्मिनल के ऊपर क्या बन जाते हैं, ये बनते हैं बेसिडियो स्पोर, और इसको बोलते हैं फ्रेमो बेसिडियो बेसिडियम। क्या बोलते हैं? फ्रेमो बेसिडियम कहा जाता है, या इसको हेट्रो बेसिडियम भी कहा जाता है। पक्षिनिया वास्टिफोलियम इस प्रकार का पाया जाता है, जिसमें अंगुलीनुमा कवक बन जाते हैं, उसके टर्मिनल पे क्या होता है, इसको होता है बेसिडियो स्पोर। अब इस प्रकार के बेसिडियम का निर्माण जो है क्लेमाइड बीजाणु और कीट बीजाणु के अंकुरण से भी हो जाता है, कई बार उसके जर्मिनेशन से भी इस प्रकार का जो है बन जाता है। और इसमें क्या होता है, डाइकैरियोट के जो केंद्र होते हैं इसके संलयन से जायगोट बनता है, यानी कि दो केंद्र रहेंगे और इनका फ्यूजन होगा, जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अब ये जायगोट जो बनेगा इसमें फिर जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन होकर यह प्राक मेंसिली बनाएगा, फिर द्विगुणित केंद्र इसमें स्थानांतरित हो जाएंगे, और ये द्विगुणित केंद्र जब जर्म ट्यूब के स्थानांतरित हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अर्धद्विगुणित विभाजन करें, जिससे चार न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके अंदर, और चार न्यूक्लियस बनने की वजह से जैसे 1 2 3 पूरे चार न्यूक्लियस बन गए, बीच में पट का निर्माण हो गया। अब पट का निर्माण हो गया तो उसमें क्या होता है कि इसके जो शीर्ष होते हैं, इसके जो प्रत्येक पट के बीच में जो होते हैं वहां पे अंगुलीनुमा कवक विकसित हो जाते हैं, और उसके टर्मिनल के ऊपर एक न्यूक्लियस चला जाता है, न्यूक्लियस जो है समसूत्री विभाजन के थ्रू चला जाता है, और यहाँ पे आने के पश्चात ये कहलाता है बेसिडियो स्पोर। तो यहाँ पे हमारा बेसिडियम के होलो बेसिडियम और हेट्रो बेसिडियम दोनों ही कंप्लीट होता है। बेसिडियो क्लास का जो स्ट्रक्चर है ये हम पढ़ेंगे जब हम मशरूम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं बेसिडियो बीजाणु का लिब्रेशन कैसे होता है, यहाँ से रिलीज कैसे होता है, ये वाला जो है ना ये कैसे यहाँ से रिलीज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऊपर जो बेसिडियो स्पोर है ये कैसे रिलीज होते हैं, जैसे सिर्फ एक डायग्राम को लेकर समझेंगे हम, हमने इससे पहले बात की थी ना कि बूंद विधि के द्वारा यहाँ पे रिलीज होता है, ड्रॉप मेथड के द्वारा जो है बेसिडी या बीजाणु जो है रिलीज होता है। अब हम बात करें कि जहां से ये प्रांगुल बनाया था हमने, और प्रांगुल के ऊपर क्या था, बेसिडियम बनवा था, इस प्रकार का था, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे पट बन रहा था, ये नीचे वाला प्रांगुल था और बेसिडियम पोर था नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जहां से ये जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है, और हाइलम के आधार पर छोटा सा उभार निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है, उभार निकलता है, और इसको बोलते हैं जलबूंद। क्या बोलते हैं? जलबूंद कहा जाता है, और ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता रहता है, आकार बढ़ाने की वजह से क्या होता है, यहां से ये आकार बड़ा होगा तो यहां से जो है प्रांगुल से बेसिडियो स्पोर जो रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के पश्चात ये जनरेट कर जाता है, जनरेट करके नया मैसिमम का निर्माण करता है। तो ये मेथड है लिब्रेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर, जिसमें जो विधि का नाम है वो है तेल बूंद विधि। यहाँ पे अपने जनरल कैरेक्टर कंप्लीट होते हैं, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे हम ऑस्टियोलॉगो के बारे में।